और अब बड़ी बहस में कैप्टन अभिमन्यु जी के बाद हमारे साथ जुड़े हैं किशन बेदी साहब, पूर्व मंत्री और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी। बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी भागदौड़ कर रहे हो आजकल, अभी कैथल पहुंच गए हो, कहाँ पहुंचे हो? जी मुकेश जी, कैसे हैं भाई साहब? बस बढ़िया। तो आप मंत्री तो रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं, और इसके अलावा आप मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे। अभी ये वाली जो सरकार थी, तो एडवाइज़र के तौर पर क्या क्या सलाहें दे रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनकी टिकट वगैरह जो है वो पक्की हो सकती है, और किन किन की काटने देखिए, की एडवाइस दी है? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी ये पोस्टें, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, परंतु कार्यकर्ता परमानेंट रहता है। जी आज पार्टी ने मुझे महामंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी है, और महामंत्री की जिम्मेवारी मैं पार्टी के निर्देश अनुसार संगठन को मजबूती के लिए, और हरियाणा में नायब सिंह जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बने, इस विषय को लेकर हम सभी लोग एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार का पूरे प्रदेश के अंदर वातावरण है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों को, मनोहर जी की बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति को, गरीब से गरीब घर के अंदर हर सुविधा पहुंचे, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उस विषय को लेकर, और नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से एक पिटारा खोल दिया लोगों की जन सुविधाओं का, चाहे MSP की बात हो, चाहे 2000 रुपए पर एक कट्टा मुआवजे की बात हो, चाहे 1,20,000 लोगों को रोजगार देने और उनको ये गारंटी दे दी कि 58 साल तक हम आपको विश्वास लाते हैं कि आपकी नौकरी को और आपके रोजगार को, आपके चूल्हे को कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे। इसी प्रकार से 500 रुपए सिलेंडर उस गरीब के पशु पहुंचने का काम करेगा, उसका पसीना सुखाने का काम करेगा, जिसके घर के एक बहुत बड़ी समस्या फाइनेंशियल होती थी। 1,80,000 से नीचे जितने भी परिवार हैं, लगभग 50 लाख परिवारों तक नायब सिंह सैनी जी का गैस का सिलेंडर और उज्ज्वला के तहत हम देने का काम कर रहे हैं। और गरीब के घर में रोशनी रहे, लाइट रहे, उसके लिए भी 2 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा के जो हमारे कनेक्शन हमने देने की शुरुआत की है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल ढिंडोरा पीटते हुए निकल गए, हमें भी समझ नहीं आई बात, ये ढिंडोरा किस बात का पीटते हैं? प्लाट दिए, परंतु ना तो प्लाट मिले, ना कब्जा मिला, ना कागज मिले, वो भी काम देने का किया तो नायब सिंह जी की सरकार ने किया और नायब सिंह सैनी जी ने किया। जी लेकिन अभी जो बहुत सारे काम हैं वो आपने कर दिए, तो पूरे हो गए या अभी बाकी बचे हैं जिसके लिए तीसरी बार आपको चुना जाए, या काफी हो गए हैं? कोई काम का भी समाप्त नहीं हुआ। यदि काम समाप्त होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं थी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद सरकार नहीं बननी चाहिए थी। यदि जरूरत पड़ती, यदि यही संतुष्टि थी, तो फिर इंदिरा जी को भी नहीं आना चाहिए था, फिर राजीव जी को भी नहीं आना चाहिए था, फिर अटल जी को भी नहीं आना चाहिए था जी। काम कभी मुके है क्या? परंतु लगातार जो विकास का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, सरकारें आती हैं जाती हैं बदलती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके जहन में जो जो विकास कार्य हैं, कुछ तो आपने कर दिए 10 साल में, अब अगर आपकी सरकार बनती है तीसरी बार, तिबारा बनती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका खाका आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने हरियाणा के लिए तैयार किया है? अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, जिसके प्रकार से मोदी जी ने शुरुआत की है, देश की सीमाओं पर आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाने की बात की है, और उस आतंकवाद के कारण देश का बहुत बड़ा हिस्सा किस प्रकार से पीड़ित था, दुखी था, बेकसूर लोगों की जाने जा रही थी, आज पूरी सीमा पाकिस्तान से आतंकवादी देश की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता, और देश की सीमा पार कर लेता है तो फिर जम्मू का बॉर्डर वो पार नहीं कर सकता। उससे पहले की जो सरकारें थी वो अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, बॉम्बे में, भोपाल में, लखनऊ में, हैदराबाद में बम ब्लास्ट करके चले जाते थे। आज देश सुरक्षित हुआ है, परंतु सुरक्षित होने के साथ साथ देश की जो विकास की गति पिछले लंबे समय से रुकी हुई थी, उसको गति देकर इस प्रकार के बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े रोड्स और बड़े बड़े सारे सिस्टम को हमने शुरुआत की है, उसी प्रकार से हरियाणा को भी बहुत सी जरूरतें हैं, उसी प्रकार की बहुत सी आवश्यकताएं हरियाणा के अंदर। 10 साल से पहले
मनोहर जी की सरकार आने से पहले लाइट का बहुत बड़ा संकट था, और यदि लाइट का संकट था तो उद्योगपति हरियाणा में क्यों आएगा। अब हमने लाइट का सिस्टम ठीक किया है पिछले 8-9 साल से, तो अब उद्योग भी हरियाणा में आने लगे हैं। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति थी, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर किस प्रकार से यहां तक का माहौल था, तो उस पर लगाम लगा के आज उद्योगपति आज हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर CLU के नाम पर एक बहुत बड़ी लूट पिछली सरकारों ने बचाई पूरे देश के अंदर, इस प्रकार से उन्होंने एक वातावरण पैदा कर दिया कि हरियाणा की छवि खराब करने का काम किया। आज उस सारी चीजों पर हमारे मनोहर जी की और नायब जी की नीतियों ने कंट्रोल करने का काम किया है। आज हमने उद्योगपतियों को बहुत सी सुविधाएं देने की शुरुआत की है, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत उद्योग आएंगे। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, हरियाणा के अंदर कोई अपना एयरपोर्ट नहीं था, मोहाली के अंदर हमारी केवल हिस्सेदारी थी। हमने आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हिसार के अंदर जो किया है, उसके अंदर कार्गो का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, तो बहुत बड़े उद्योगपतियों को उससे लाभ होगा, पूरी इंटरनेशनल मार्केट हरियाणा के अंदर एंट्री करेगी। तो ये बहुत सी चीजें हैं अभी जो पाइपलाइन में वो भी करनी है। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से किसान को हमेशा प्रताड़ित किया, किसान को इजाजत हो तो एक आध सवाल पूछूं आपसे, राजनीति की अभी जो हिसार एयरपोर्ट है उस पे फ्लाइट तो लैंड नहीं करवा पाए आप, अंबाला वाला जो एयरपोर्ट था वो भी अभी बाकी पड़ा है। मेरा ईमानदार सवाल आपसे ये है, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ कि जो ये 10 साल सरकार रही मनोहर लाल खट्टर साहब की, नायब सिंह सैनी साहब का कार्यकाल अभी जो है वो विधानसभा भी स्थगित होनी है, मतलब उन्हीं की सरकार चल रही है, तो हम ये मान के चलें कि सब कुछ हरियाणा में राम राज्य हो गया है, अब कोई भी दिक्कत कोई दुविधा नहीं है, तो आप की ये बात मैं मान रहा हूँ, शत प्रतिशत मान रहा हूँ, यकीन करिए बिल्कुल मान रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि ये जो 10 साल थे पिछले, इनमें बेरोजगारी महंगाई कुछ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए यदि राम राज्य की बात करें तो राम जैसे राजा भी होने चाहिए और उस जमाने जैसी प्रजा भी तो चाहिए ना, कहां डेमोक्रेसी उस समय उस जमाने में तो ये ऐसा नहीं था। परंतु मैं आपको एक बात कहता हूँ, राम राज्य की कल्पना हमारा एक सपना है और सभी को करना भी चाहिए वो राम राज्य साकार उस सपने को। परंतु मैं एक बात कहता हूँ, जो हमें 10 साल के अंदर जो जर्जर अवस्था के अंदर जिस प्रकार का आप देख, आप ये कह रहे हैं कि राजा तो राम जैसे आगे है लेकिन प्रजा ठीक नहीं है, उस वक्त कांग्रेस नहीं होती थी, जेजेपी नहीं होती थी, इनेलो नहीं होती थी, है ना? आज स्थिति क्या है पूरे प्रदेश के अंदर, जो ढांचा हमें जर्जर हालत में मिला, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, और मुख्यमंत्रियों के किस प्रकार के बयान आया करते थे, भाई कौन से हल्के का बच्चा है तो कभी फलाने का, भाई तो मेरा जिला तो कुछ और है, मार दो मुख्यमंत्री फलाने हल्के का। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन्होंने इस हरियाणा एक हरियाणवी एक का एक बहुत बड़ा नारा दिया और लोगों को साकार करने का काम किया। बाडा की आखिरी टेल पर, लोहारू की आखिरी टेल पर भी उन्होंने पानी की सेल्फी मंगवाई, जहां 30-30 साल तक पानी नहीं गया था, जहां सरसा में जाते थे आपका तो वो एरिया देखा हुआ है, वहां पर तो टोटल हरियाणा का सबसे ज्यादा पानी की वाटर लॉगिंग किसके हाथ में आती थी। मेवात आपका ड्राई था, लोहारू आपका ड्राई था, भिवानी आपका ड्राई था, बाडा आपका ड्राई था, महेंद्रगढ़ में पानी नहीं था। मुख्यमंत्री सारी जो उपलब्धियां आप गिनवा रहे हो उसको तो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहा हूँ हरियाणा की पूरी जनता की ओर से। इसमें इन उपलब्धियों पे मैं टिकट टिप्पणी कर ही नहीं रहा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है बेदी साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि प्रदेश में या देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो आम गरीब आदमी को महंगाई से निजात मिले, बेरोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिले, उद्योग आ ही नहीं रहे थे, वादा लाइट नहीं थी इस प्रदेश के अंदर, सबसे दुरुक्तित लाइट की किसान को देते थे तो व्यापारी को उद्योगपति परेशान हो जाते लाइट से, और उद्योग को देते थे तो किसान को लाइट नहीं मिलती थी कभी। ये लोग बड़ी बड़ी डिंगे तो आंकते रहे, परिवार को तो आगे बढ़ाते रहे, परंतु प्रदेश को इन लोगों ने कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इनके बोए हुए कांटे हमने पिछले 10 साल में चुके हैं, अब इसको स्मूथली आगे बढ़ाने का भी जिम्मेवारी हमारी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के मतदाता से, हरियाणा प्रदेश की काबिल जनता से, हरियाणा प्रदेश की सरदारी से, कि तीसरी बार जब हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे उनके सभी सपनों को साकार करने की हम जिम्मेवार लेते हैं। इन लोगों ने तो पेंशन बढ़ाई 10 साल के अंदर 500 रुपए, और हमने 10 साल के अंदर पेंशन बढ़ा दी 2000 रुपए। इन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं होती थी,
बुढ़ापा पेंशन के नाम पर बुजुर्ग धक्के खाया करते थे, विधवा बहने में धक्के खाया करती थी, मेरे पास तो ये डिपार्टमेंट रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब रहे तो 13 महीने दिन रात जाकर हमने ऑनलाइन पेंशन सिस्टम शुरू किया, आपको भी याद है और मुझे भी याद है। भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष थे पिछली सरकार के अंदर, सर नेता पक्ष भी नहीं थे, सीएलपी लीडर थे, नेता प्रतिपक्ष तो पिछली सरकार के अंदर अभय सिंह चौटाला थे, उनकी सीटें ज्यादा थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया था यदि ऑनलाइन पेंशन होने का ब्यों तो अंदर तो सबसे पहले मैं कर देंदा, परंतु मनोहर लाल जी ने जिद की, हमें 13 महीने दिन रात जगाकर वो बुढ़ापा पेंशन जो एक अभिशाप बन चुकी थी उसको वरदान बनाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। ऐसी हर प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 5 लाख रुपए मोदी जी ने डाल दिए। आपको कभी भी कहीं पर कोई समस्या है, किसी भी हॉस्पिटल में जाना, आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो जाकर आप तुरंत इलाज करा के आ जाना, आप पैसे नरेंद्र मोदी जी देंगे। आपसे पहले आप ही के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर रहे कैप्टन अभिमन्यू, हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी कार्यक्रम में, उनसे भी मैंने दो सवाल पूछे थे, ये दो सवाल मैं आपसे भी रिपीट कर रहा हूँ। इस वक्त जो भाजपा पार्टी है और जो मौजूदा सरकार है उनके सामने, वोटर्स के सामने जाने में दो चुनौतियां मुख्य हैं। एक तो जो अग्निवीर योजना है उसका अधिकतर हरियाणा में लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, अब आप ये बात माने ना माने, एक बार दोबारा बोल रहा है, दूसरा अग्निवीर योजना हाँ, ठीक है। और जो दूसरा है ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इससे भी जो किसान भाई हैं वो आपसे छिटके हैं, आप इस बात को मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों से निजात पाने के लिए, इन दोनों मुद्दों को जनता में ले जाने के लिए आपके पास क्या तर्क लेके जा रहे हो कि जनता आप पे फिर तीसरी बार विश्वास करे? देखिए मैं बिल्कुल ठीक बात आपने बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे राइज किए हैं। मैं रही बात किसान की, किसान का पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था MSP। हमने हरियाणा के अपने परिवार के लोगों को MSP गारंटी दे दी कि आपकी जो भी फसल हरियाणा प्रदेश में पैदावार करोगे हम उसको MSP खरीदेंगे। ये इस बात का तो आपको जवाब मिल गया होगा। उससे पहले भी फसल विविधीकरण का हम पैसा दे रहे थे, 24 घंटे के अंदर हम पेमेंट दे रहे थे। अब मैं आपको अपने इलाके की बात करता हूँ, शाहबाद की। मेरे इलाके के अंदर 6772 रुपए सूरजमुखी बिकी है और 72 घंटे के अंदर पेमेंट हुई। आप किसी से जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, परंतु मेरे से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पंजाब का एरिया शुरू होता है इस्माइलाबाद के बाद, मेरा विधानसभा भी वहां तक जाता है, वहां पर पंजाब में जो सूरजमुखी बिक्री थी वो सूरजमुखी बिक्री थी 3600-3700 रुपए और उसको व्यापारियों के हाथों खरीदा जा रहा था और पेमेंट का कोई पता नहीं कब मिलेगी। तो चोरी छुपे किसान आके हरियाणा में बेचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा की सरकार इतना बढ़िया रेट और 72 घंटे के अंदर पेमेंट देने की बात हम कर रहे थे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज जिन लोगों ने किसान के नाम पर राजनीति की, जो वो लोग ये कहते हैं कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, जिन लोगों ने ये कहा कि मेरा ही अधिकार है किसान की वोट लेने का, परंतु उन लोगों की सुविधाएं कौन देंगे? खेत में पानी नहीं देते थे, दिन में बिजली नहीं देते थे, फसल का रेट नहीं देते थे, फसल का खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं देते थे, उनके भोले भाले जमीनों जिमीदारों की जमीन को CLU के नाम पर Section 4, Section 6, Section 9 के नाम पर जो इस प्रकार की लूट मचाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 इंच भी जमीन हमने इक्वायर करने का काम नहीं किया। इन लोगों ने तो Section 4, Section 6 और Section 9 लगाकर जिस प्रकार लूट मचाई थी, आज उसका गिन गिन के इन लोगों को हिसाब देना पड़ रहा है। रही बात अग्निवीर की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 10% हम उन लोगों को रिजर्वेशन देंगे जो हमारे अग्निवीर भाई वहां से भी जब रिटायर होकर आ जाएंगे, जब वो अपनी 4 साल का कार्यकाल पूरा करके आ जाएंगे, और उसके साथ साथ यदि ऑन ड्यूटी यदि मेरे किसी अग्निवीर साथी के साथ कोई ऐसी परमात्मा ना करे दुर्घटना हो जाए। चलिए, जो अग्निवीर आएंगे अभी 22 में शुरू हुई है, 26 में आएंगे, उनके लिए तो आपने एडवांस में 3 साल एडवांस में ही घोषणा कर दी। जो ये नौकरियों वाला बात था, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, ये आप अगस्त और सितंबर महीने तक डिले करते रहे क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने थे, तो इसमें आपने एडवांस में काम क्यों नहीं किया? अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट में अटक गई हैं 24,000 भर्तियां। कौन सी भर्तियां? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनाव आचार संहिता तक अटकी है, एक भी नौकरी नहीं रुकेगी। जो लोग गुमराह कर रहे हैं आज उनके दरवाजे आ गए, उनके पुतले फूंक रहे हैं वो नौजवान कि आपने हमारा गला काटने का काम किया। जो लोग हरियाणा के नाम पे राजनीति करते हैं और हरियाणा के अंदर गद्दारी करते हैं उन लोगों को चेहरे को बेनकाब करने का हमारे आपसे प्रदेश की जनता ने किया, हमारे लोगों ने किया। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर तो जो जा रहे हैं
वो 22 में शुरू हुआ था ना मुकेश जी, उनका, तो मुकेश 4 साल जी के बाद पंजाब आएंगे में जाके करते उनके हरियाणा लिए के वोट घोषणा मांग तो के आपने देंगे, 3 साल वहां एडवांस में हरियाणा कर में दी। आके वोट तो मांग ये के वाली हरियाणा जो के लिए घोषणाएं आप सितंबर में कर रहे हैं, या सितंबर तो खैर अभी शुरू हुआ, आप अगस्त में कर रहे हैं, तो वो भी तो 1-2 साल पहले की जा सकती थी, तब अभी तक का इंतजार क्यों करते रहे आप 2024 तक का? देखिए मुकेश जी, मैं बताता हूँ बस सारी बातें आपको। आप भी आज मुझे आपने 8:15 बजे क्यों चैनल पे कांटेक्ट किया, चैनल तो आपका 24 घंटे चल रहा है। हम तो रोज मैं ये करते चीजें, हैं। इनमें नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसी कोई समस्या आती है उसका समाधान तुरंत किया जाता है। हाँ हरियाणा सरकार और इतनी नहीं, जागरूक और हम तो संवेदनशील रोज 8 सीलों सरकार है, करते जैसे ही मुद्दा हैं कोई सा, ये मैं नहीं 2024 में नहीं कर रहे, हम तो जब से चैनल चल रहा है यही चल रहा है, और 2014 से तो आप भी लगातार हमारे साथ बैठ रहे हैं। बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो? मैं तो आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये कोई क्वेश्चन मार्क करने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि लोगों को जब सुविधा मिल जाए तभी ठीक है। हाँ। इस बात पे क्यों डाउट करें हम कि जी सिर्फ चुनाव के लिए काम किया जाता है। हाँ हमारी सरकार 24 घंटे काम कर रही है, जनता की सरकार है, जनता के लिए है, किसी परिवारों के चलो, एक लिए नहीं आप है, बाप आपका बेटे की पार्टी आपका नहीं है, आपके मतलब का सवाल बाप पूछता हूँ, बेटे की मतलब पार्टी चुनावी नहीं है, मियां तैयारी बीबी की किशन पार्टी नहीं है, बेदी साले की साले साधु की कैसी पार्टी है, नहीं है। चुनाव की तैयारी हो ये गई समझ है? पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित के लिए काम करती है। मैं पूछ रहा हूँ किशन बेदी साहब की चुनावी तैयारियां कैसे चल रही हैं? यहां पर कृष्ण बेदी नहीं लड़ता है, यहां पर तो कमल का फूल लड़ता है और संगठन लड़ता है। कार्यकर्ता कोई भी आएगा, चेहरा कोई भी हो सकता है, परंतु लड़ना तो कार्यकर्ताओं ने है। हमारे कार्यकर्ता के तौर पर हमारी बड़ी मजबूत तैयारी है और बड़ी मजबूती से हम इस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और तीसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के शपथ लेने का काम करेंगे। और मैं तो आप लोगों को एडवांस में निमंत्रण देता हूँ कि 8 तारीख के बाद जो भी डेट तय होगी हमारी सरकार बनेगी। जिन लोगों ने परिवारवाद की, जिन लोगों ने क्षेत्रवाद की, जिन लोगों ने जातिवाद की, जिन लोगों ने हरियाणा को जलाने का काम किया, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर गोहाणा कांड किया, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर मिर्चपुर के अंदर गरीब वाल्मीकियों के घर जलाने का काम किया, वो सभी लोग बदला लेने के मूड में है। और जो जो लोगों ने ये जुल्म ज्यादतियां की हैं उनको हम और हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, और समय आने पर उनसे माकूल जवाब भी लिया जाएगा। और उनको सत्ता से बाहर लगातार 10 साल से तो है, आगे और भी उनको सत्ता से बाहर करने का काम किए करेंगे जनता। हमने हरियाणा के लोगों के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है, लोगों को विकास के साथ जोड़ने का काम किया है, हमने क्षेत्रवाद का कलंक मिटाने का काम किया, हमने परिवारवाद का जी कलंक मिटाने का काम किया है। बेदी साहब, एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ। अभी आपकी ये जो सरकार थी 2024 तक 19 में जो आई, इसमें आपके गठबंधन में एक पार्टी थी जेजेपी नाम की, और जेजेपी में जो उप मुख्यमंत्री थे उनका नाम था दुष्यंत चौटाला। नाम और पार्टी तो याद होगी आपको। जी आज बिल्कुल वो याद है, एक्स पर यानी हमारे ट्विटर सम्मानित पर लिख रहे हैं, साथी हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर। आज वो ट्विटर पर लिख रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कि जो पार्टी 400 पार का नारा देती थी, आज उनको जेजेपी से कैंडिडेट्स आयात करने पड़ रहे हैं। देखिए, इस डेमोक्रेसी के लिए ही तो देश के शहीदों ने कुर्बानी दी थी, अच्छा, इस डेमोक्रेसी को लेने के लिए ही तो लोगों ने अपनी जवानियां फांसी के फंदे पर इसको आप झुलाने का काम किया। डेमोक्रेसी कहते हो, या फिर जो राजनीतिक लोग हैं उनको पूरी बात उनकी मुकेश मौका जी, प्रस्ती मुकेश जी कहते मेरे, हो? प्लीज प्लीज प्लीज, आप तो सारा दिन टीवी पे हो, बड़ा मुश्किल से मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए। करो करो उन लोगों करो। ने इस लिखने पे, बोलने पे, अपनी बात रखने पे तो इसी बात की आजादी तो ली थी। बाकी तो सबने मजदूरी करके, किसानी करके, नौकरी करके पेट पालना, वो तो सभी उस समय भी कर रहे थे लोग। इस बोलने का अधिकार हो, लिखने का अधिकार हो, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार हो, और दुष्यंत जी उसी जो डेमोक्रेसी के अंदर जो आजादी मिली है उसी का उपयोग वो कर रहे हैं। वो लिखे कुछ भी, कोई उन पर प्रतिबंध थोड़े लगा सकते हैं हम, उन पर ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते, परंतु दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, जो भी करे आज वो कल, वो कल वो भी कहीं और से लेके आए थे इनको, इनके वो भी, इनके भी नहीं थे वो, जी, ना इनके रामकौर गौतम जी थे, मेरे को तो पता क्या है, ना मुझे अरविंद तो गोपली ऐसा जी थे। होता है ना कि जो कार्यकर्ता भाजपा का है, जो विधायक लड़ा है, जो जीत के आया है, फिर उसमें आ जाते हैं, कोई जेजेपी से आ जाता है, कोई कांग्रेस से आ जाता है, कोई इनेलो से आ जाता है, फिर अपने भाजपा वाला जो बेचारा कार्यकर्ता है, जो दरियां बिछाता रहा इतने साल तक, उसका हक मर जाता है, उसका दुख है मेरे को तो। देखो मेरी बात सुनो, सुनाओ। दरिया बिछाने वाले कार्यकर्ता ये बैठा है कृष्ण बेदी आपके सामने, हाँ इस कृष्ण बेदी को आज चैनल पे बोलने का ताकत किसने दी? उस जन भारतीय जनता पार्टी ने दी। हरियाणा प्रदेश में मंत्री बनने की ताकत किसने दी? वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। अब मुख्यमंत्री जी को
मुख्यमंत्री बनने की पावर किसने दी? एक छोटे से जमींदार का बेटा, किसान का बेटा, नारायणगढ़ के पास एक छोटे से गांव से पैदा होके और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संगठन काम करते करते आज मुख्यमंत्री कुर्सी पहुंचे। हमें कोई इसके पेरेंटल तो हमें कुछ मिला नहीं, ना नायब सैनी जी को मिला, ना कृष्ण बेदी जी को मिला, ना मनोहर लाल जी को मिला। हमने तो जो कुछ भी दिया है संगठन ने दिया, पार्टी ने दिया है, परंतु जो लोग आज अन्य दलों से आ रहे हैं उनकी बनती काबिलियत के हिसाब से उनको भी हिस्सा दिया जाएगा, परंतु किसी भी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं की जाएगी। ये मुझे मेरी पार्टी के ऊपर विश्वास है। पिछले 32 साल से मैं कार्यकर्ता के रूप में, मैंने तो मंडल के मंत्री के रूप में काम से शुरुआत की थी, इस पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर रहते हुए 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। हमने तो बहुत कुछ सीखा है। भारतीय जनता पार्टी है, कभी किसी की दिहाड़ी नहीं मारती, किसी की मजदूरी नहीं मारती, सबको उसकी मजदूरी देने का काम करती है। और संगठन ने जो कुछ नाम दिया है, जो काम दिया है, सम्मान दिया है, सभी लोगों को दिया है। और यदि परिवारवाद की बात पे चले तो फिर ये तो सत्ताएं कुछ लोगों के हाथ में छिटकी हुई थी, कुछ लोगों के हाथ में चिपकी हुई थी। आज किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल अपने राजकुमार को बचाने के लिए अशोक तंवर जी को चलता कर दिया, रणदीप सुरजेवाला को खुड्डा लाइन लगा दिया, नवीन जिंदल जी को चलता कर दिया, कुलदीप बिश्नोई जी को चलता कर दिया, राव इंद्रजीत सिंह के लोगों को चलता कर दिया। आज वो केवल अपने राजकुमार को बचाने में लगा हुआ है, और राजकुमार को जो बचाने की स्थिति में मेरे ख्याल से आगे भी कोई चांस बनता नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर ये जो सारे नाम लिए ना आपने, ये जो सारे नाम लिए ना बेदी साहब, एक मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, राज की बात, वो भी टीवी स्क्रीन पे बैठ के, ये जो सारे नाम लिए ना ये असहज हो रहे हैं, यहाँ भी, वहाँ भी हो गए थे, यहाँ भी हो रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि आप सलाहकार हो तो ये सलाह आप दे देना। जी मुकेश जी, आपको तो चैनल पे मिलते होंगे, मैं तो उनके साथ 24 घंटे रहता हूँ, हर मीटिंग में, हर संगठन में, दिन में 10-10 बार सभी लोगों से बात होती है। कोई असहज नहीं है, सभी मोदी जी की टीम के साथ है, सभी नायब जी के साथ है, सभी मोहनलाल पडोली जी के साथ है, सभी वीरेंद्र जी चले गए, देखो है चौधरी वीरेंद्र जी चले गए ना, तो वीरेंद्र जी चले गए तो फिर क्या है। देखो ना, आप चित भी मेरी, पट भी मेरी, क्योंकि मेरा नाम है कृष्ण बेदी। सवाल मेरे से जो भी पूछ लो, जवाब मैं वही दूंगा जो मुझे देना है। नहीं नहीं, मेरी तेरी बात सुनो ना मुकेश जी, तो क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं, वो सुने ना हुड्डा जी कान खोल के, अब उनके दिल की बात कोई सुन नहीं रहा। यहाँ तो मनोहर लाल जी रात के 12 बजे बुला के सुनते थे उनकी बात, मोदी जी सुनते थे। इतना समय उन्होंने कांग्रेस में लगाया, कांग्रेस ने क्या दिया, और यहाँ 10 साल के अंदर कम बीजेपी ने क्या नहीं दिया। ये सारी चीजें जब आदमी व्यक्तिगत अंधेरे में बैठ के, कमरे में बेड पे लेट के जब आत्म मंथन करता है, चिंतन करता है, तो फिर सभी को पता लगता है कि मुझे क्या मिला और क्या मुझे कहां से मुझे घाटा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय रविंद्र सिंह जी मेरे बहुत आदरणीय है, और मेरे तो गांव उनके बिल्कुल नजदीक पड़ता है, और मेरी चुनाव में अच्छा, चलो सीटों के, सीट्स के नंबर बता दो। आप लगातार घूम रहे हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल आप एडवाइजर भी रहे हैं, तो कितनी सीट्स इस बार भाजपा की आ रही हैं? नंबर की बात ये है, मैं आपको आज जिस प्रकार का वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और अकेले नायब सिंह सैनी जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और नंबर की बात आएगी, नंबर तो अभी टिकट वितरण हो जाए तो फिर आपको किसी चैनल पे आपके आपको नंबर बताऊंगा। अच्छा, थोड़े से तो बता दो, ऐसे मत करो। संपूर्ण बहुमत की सरकार आएगी है, कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। हाँ। और जिस प्रकार से कल रामपाल गौतम जी ने कहा 200%, और मैं भी वही कह रहा हूँ कि 200% सरकार हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बढ़ेगी। तो दादा गौतम की बात भी अच्छी लागण लागी, ये है राजनीति ना, कभी कभी नहीं बुरी लगे। हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। हाँ। तो 2005 के अंदर वो जब नारनौंद से विधायक बने, तब मैं रादौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम इकट्ठे काम करते थे पार्टी के अंदर। अच्छा, जो 5 साल वो रहे वहां पे जेजेपी में, वो भूल गया, वो कल से याददाश्त खत्म हो गया। हां नहीं, कभी कभी एक शब्द उनके मुंह से, उनके खिलाफ उनकी शान में निकला, कभी हमारे खिलाफ, हमारे मुंह से। हां नहीं, आप तो हंसी मजाक ज्यादा करते थे उनसे। नहीं, आदरणीय नेता है हमारे, आज भी है, पहले भी थे। इसमें देखो सम्मान तो हरियाणा में, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर करना ही चाहिए सभी का। कल कहते कैप्टन, कल कह रहे थे कैप्टन अभिमन्यु, उनके कान में एक बात भी बोल गए कि दादा पोता तो जो अपना असली हुआ है वही पोता हुआ है, गोद लियोड़ा नहीं हुआ है। ये कोई छुपी बात थोड़ी है मुकेश जी। हाँ। जो अपने दादे के असली दादे के नहीं है वो गौतम जी के हो जाएंगे क्या? ये टिप्पणी पे तो, ये तो गौतम जी ने खुद कही बात, ये तो जी जी। चलिए, आज की जो बड़ी बहस है उसमें बहुत मजा आया, किशन बेदी जी से हमने बातचीत की, हमारे पुराने दोस्त, और हंसी नोकझोंक इनके साथ हमारी चलती रहती है।
ये दर्शकों को मुकेश भी पता जी, है। जी, मेरे को भी काफी दिन से एक वर्कलोड ज्यादा था, भागदौड़ ज्यादा थी, काफी दिन के बाद आपसे बात करके मैं रिलैक्स हुआ हूँ। चलिए, ये मेरा सौभाग्य है और आप इतना जो हमें सम्मान देते हैं इसका हम दिल से सम्मान करते हैं, और भविष्य में भी हम आपको इसी तरीके से तंग करते रहेंगे, ये गारंटी है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया किशन बेदी, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े, और बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर बड़ी बहस और खास मेहमानों के इस इंटरव्यू के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।